तो भाई इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहली बात सर, चार्ज होता क्या है? तो चार्ज ना प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की, ठीक है। तो मैटर के पास ना एक प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी से वो मैटर जो है एक्सपीरियंस कर सकता है या फिर प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ एक्सपीरियंस करेगा या कुछ प्रोड्यूस करेगा। एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड नहीं, इफेक्ट की बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ये क्या करेगा बेटा? फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज ना मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से मैटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है इतना? ठीक है। तो मतलब मुझे भी फिलहाल ये समझ आ गया कि चार्ज की वजह से कोई मैटर के पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ सकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। अब आगे सुनो, ये जो चार्ज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ लेटर स्मॉल क्यू। ज़रूरी है क्या? नहीं, कभी कभी आप इसको कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही लेटर यूज़ होते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और बात समझो, वो ये है कि जो चार्ज है ये चार्ज दो टाइप का होता है। ये चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। यस, ये जो चार्ज है ये दो टाइप का हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, है ना। तो याद रखना, प्रोटॉन क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। उसी तरह एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो पता ही होगा ना आपको। यस, क्या कहते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना भी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ हो सकता है कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻¹⁹ इतना चार्ज होता है। सर ये चार्ज है, इसको आपने मेजर कर लिया, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज? -1.6 × 10⁻¹⁹ इतना चार्ज होता है। अच्छा, जब किसी को आप मेजर करते हो तो उसका कुछ यूनिट भी लिखते हैं ना। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो मीटर लिखते हो उसका यूनिट, जैसे आप मास मेजर करते हो तो केजी लिखते हो उसका यूनिट। उसी तरह अगर हमने चार्ज मेजर कर लिया तो उसका यूनिट क्या होता है? तो बेटा उसका यूनिट होता है कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ऑफ चार्ज होता है। अब ये कूलम जो है वो SI यूनिट है। किसका? चार्ज का। यस, चार्ज का SI यूनिट है कूलम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेलिंग ताकि आपको समझ आए क्या है। CoULOMB, कूलम, ठीक है। कूलम क्या है? SI यूनिट है चार्ज का। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए। अच्छा, प्रोटॉन जो है उसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन जो है उसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है? +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यस, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। बस इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम उसके आगे माइनस का साइन यूज़ करते हैं, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है इसलिए उसके आगे हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग समझेंगे कि दो बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि कोई बॉडी चार्ज्ड बॉडी कैसे बनती है। यस, बॉडीज को हम चार्ज्ड बॉडी बना सकते हैं। समझाता हूँ। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी। पहली बॉडी को हम बोल देते हैं, लेट से एग्जांपल के लिए इसको बोल देता हूँ मैं ए, ठीक है, और ये दूसरी बॉडी को मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। अब ये दो बॉडी जो है ये दोनों के दोनों इंसुलेटेड बॉडी है बेटा। कैसे बॉडी है? इंसुलेटेड बॉडी। आप सोचोगे सर ये इंसुलेटेड बॉडी क्या होती है? तो बेटा इंसुलेटेड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर ना, मतलब ऐसा समझो कि जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी से बेटा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, बट ये दोनों के दोनों क्या है?
मतलब इनके अंदर बेटा चार्जेस है, मतलब इनके अंदर बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। मतलब फिलहाल के लिए इनके ऊपर इक्वल अमाउंट का क्या है बेटा, चार्जेस है, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी है। अब होता क्या है कि हम इनके सरफेस के ऊपर चार्ज फॉर्म कर सकते हैं, कैसे, अगर हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर दिया, जैसे इन दो बॉडी को हम एक दूसरे के पास लेके आए और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉडी को रब कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब किया तो हमने ये नोटिस किया कि इन दोनों बॉडी के सरफेस पे चार्जेस फॉर्म हो गए। जो पहला बॉडी था उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया और जो दूसरा बॉडी था उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। नो सवाल उठता है कि इसके ऊपर चार्जेस कैसे फॉर्म हो गए, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो, जो पहली बॉडी थी एक्चुअल में इस बॉडी का नाम है ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है। ग्लास क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। और जो दूसरी बॉडी है वो और कोई नहीं बल्कि सिल्क है, ठीक है। सिल्क तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो ये दोनों के दोनों इंसुलेटर है और इन दोनों बॉडी को जब एक दूसरे के ऊपर रब किया तो हमने नोटिस किया कि इनके सरफेस पे चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये चार्ज फॉर्म कैसे होते हैं। तो एक्चुअल में जब ये लोग यहाँ पर रब हो रहे थे तो उस समय इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे। क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से हुआ ये कि जो ए बॉडी है उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो यानी ए में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, बी में, जिसके वजह से जो पहला बॉडी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ठीक है। यानी कि मान लो फिलहाल उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी आ गई है, डेफिशिएट हो गई, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, कम हो गए। और उसी साथ वो 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, बी के पास, सिल्क के पास। तो यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, इसके पास एक्सेस में आ चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इसके पास ज़्यादा आ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो इस वजह से दोनों के ऊपर चार्ज फॉर्म होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब जो लूज करता है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है जैसे आप देख सकते हो, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है जैसे आप देख सकते हो। तो याद रखना, ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और सिल्क के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। बिकॉज जब आप ग्लास और सिल्क को, ग्लास का रॉड और सिल्क के क्लोथ को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रब करोगे तो आप नोटिस करोगे कि दोनों के ऊपर चार्ज फॉर्म होता है, और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और सिल्क क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो हम ये देखेंगे कि ये जो दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज फॉर्म हो चुका है, इसके ऊपर मान लो 3 चार्ज फॉर्म हुए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर भी 3 चार्ज फॉर्म हुए हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर्म्ड ऑन अ बॉडी तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ध्यान दो, चार्ज को मैंने बताया था आपको क्यू से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो पहले मैं बॉडी ई के ऊपर जो चार्ज है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं। तो आपको एक चीज़ पता है कि ए बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है, ठीक है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऊपर, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि उसमें से कमी हुई है यानी माइनस हुआ है, कम हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, कम हुआ है। अब मुझे एक और बात बताओ, -3, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी -1.6 इंटू 10^-19 कूलम, है कि नहीं। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा माइनस माइनस प्लस, देखो ना यहाँ भी एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1.6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10^-19 कूलम, यानी कि 4.8 प्लस 4.8 इंटू 10^-19 कूलम ऑफ चार्ज जो है फॉर्म हो रहा है बॉडी ए के ऊपर, ठीक है। ये बॉडी ए क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो देखो उसके ऊपर ना आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, देखो प्लस लिखा है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, क्लियर है क्या, पक्का। तो कई बुक्स के अंदर दिया होता है कि उसके ऊपर मतलब बॉडी ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए उसका जो चार्ज है उसको प्लस से लिखने का, तो क्यों प्लस से लिख रहे हो ये समझ आ रहा है उसको, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, तो माइनस हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव में होता है उसका चार्ज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए उसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि बी के ऊपर कितना चार्ज है, उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो।
तो बी पे जो चार्ज है उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चार्ज ऑन बी इज इक्वल्स टू, तो बी ने क्या किया है, गेन किया है, यानी उसमें प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर क्या हुए, प्लस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ प्लस 3 इंटू, बताओ एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, है कि नहीं। अब बताओ प्लस और माइनस क्या होता है, ऑफ कोर्स माइनस, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस 4.8 इंटू 10^-19 कूलम, ठीक है। तो याद रखना बॉडी बी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -4.8 × 10^-19 कूलम है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी था उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, समझ गए पक्का। तो याद रखना इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, +4.8 × 10^-19 कूलम। और ये बी के ऊपर कितना चार्ज है टोटल, बी के ऊपर टोटल चार्ज है -4.8 × 10^-19 कूलम। एक और बात जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि दोनों जो को रब, मतलब दोनों बॉडी को जब हम लोग रब करेंगे तो इनके ऊपर जो चार्ज का एक्सचेंज होगा वो चार्ज का एक्सचेंज भी इक्वली होगा, ठीक है। देख सकते हो दोनों के ऊपर क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज एक्सचेंज हुआ है, 4.8 × 10^-19 कूलम। समझ गए यहाँ तक पक्का, ओके। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो, अगर आपको चार्ज टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना है तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ कि क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। जब दो बॉडी को रब करोगे तो कुछ तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ना, जैसे यहाँ पर 3 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो एन वही नंबर है, ठीक है। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि कितना होता है, -1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बॉडी जिस पे से चार्ज कम हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है, डेफिशिट हुआ है चार्ज, ठीक है, मतलब कमी हुई है चार्ज की। और नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि किस पे चार्ज आया है, ठीक है। तो चार्ज आया है मतलब जिसके एक्सिस है, जिसके ऊपर क्या है, एक्सिस हुआ है चार्ज का। ऑफकोर्स जो बी बॉडी है उसने चार्ज गेन किया है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेफिशिएट कहाँ पर हुआ है, ऑफकोर्स ए बॉडी पे, तो ए बॉडी का जब चार्ज लिखेंगे तो हमेशा प्लस में लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, चार्ज का असाइनमेंट क्या था, कूलम ना, तो मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि दो बॉडी को मैंने क्या किया बेटा, रब किया, दो बॉडी को रब किया और यहाँ पर जो चार्ज का एक्सचेंज हुआ वो 1 कूलम का चार्ज एक्सचेंज हुआ, ठीक है, मतलब दोनों बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज बन गया है। तो अब मुझे ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए होंगे। जैसे 4.8 × 10^-19 कूलम का चार्ज जब था तो हमको मालूम पड़ा कि 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो उसी तरह अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर है तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो इसको फाइंड करना बड़ा इजी है, आप सिंपली फार्मूला यूज़ करो जो भी मैंने बताया, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। यहाँ पर आपको एन चाहिए तो एन इज इक्वल्स टू आप क्या कर लो, लिख दो क्यू डिवाइडेड बाय ई। अब आपको पता है कि कितना टोटल चार्ज है, 1 कूलम है ना, तो 1 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6। फिलहाल मुझे मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, 1.6 × 10^-19 कूलम, ये कूलम से कूलम कैंसिल, यहाँ पर आया एन इज इक्वल्स टू 1 upon 1.6 × 10^-19। इसको सॉल्व कर लो तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10^18, यानी इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
एक कूलम ऑफ चार्ज में ट्रांसफर होते हैं। मतलब अगर दो बॉडी के बीच में क्या हुआ, रब किया आपने दो बॉडी को, दो इंसुलेटेड बॉडी को आपने रब किया और उनके बीच में चार्ज का एक्सचेंज 1 कूलम है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स है, +18 है बेटा, -18 नहीं, +18। सोचो कितना बड़ा, मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। समझ गए क्या, पक्का क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट चार्ज। आई होप आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आएगा। और ये जो बाजू में दूसरी वीडियो आप देख रहे हो, इसके नीचे साइड, इसमें से आप, ये एक प्लेलिस्ट है हमारा, इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो पूरा, ये इलेक्ट्रिक करंट का पूरा पूरा प्लेलिस्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।